आज की बिजी लाइफ में हमें अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता, ऐसे में हम अपने बालों की हिफाजत ही नहीं कर पाते और हमारे बाल बेकार होते चले जाते हैं। ऐसे में बालों का झड़ना, खुश्की, एचिंग जैसी सारी परेशानी हो जाती है। ये सब एक नेचुरली अमल है। बालों को रीग्रोथ करना और दोबारा इसे खूबसूरत बनाना बहुत ही आसान है। बस इसके लिए थोड़ा सा हमें अपने बालों के लिए काम करना है। इसके लिए मैं आपको आज अनियन ऑयल बनाना सिखाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स। इस ऑयल को बनाने के लिए मुझे मेथी दाना चाहिए। मेथी दाना आप 2 चम्मच लेंगे और ये कलौंजी है ये भी हम 2 चम्मच लेंगे और इसे आप हल्का सा मोटा मोटा कूट लेंगे और इसके साथ आप ये थोड़ी सी लौंग, ये देखें सिर्फ 1/2 चम्मच है ये लौंग भी, इसके साथ आप इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। ग्राइंडर में कर सकते हैं तो मैं ये कर दूंगी। और ये मेरे पास कोकोनट ऑयल है, ये तकरीबन 1 पाव मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और यहाँ पर ये सरसों का तेल है, जितना ऑयल है उतना आधा मैंने सरसों का तेल लिया। ये दोनों ऑयल मैं इस तेल में बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। अब इसको हमें, ये मैं बता रही हूँ, अभी मैं बताती हूँ कि किस तरह ये बनेगा। अब हमें ये 2 इस साइज़ की ना अनियन चाहिए। अब इनको मैं कट करूँगी, छोटे छोटे पीस इसके कर लें और इसे हम ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड करने के लिए हम इसमें जो है बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। ग्राइंडर में तो हम पीसेंगे तो अगर वो ग्राइंड नहीं होगा तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको पीस लेंगे। ये डाल दिया और इसमें मैं ये ऑयल डाल दी, इससे ये आसानी से ग्राइंड हो जाएगा, ठीक है। ये मैं ग्राइंड करती हूँ और इसको भी मैं पीस के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह पीस लें। ये देखें, ये मेथी दाना, कलौंजी और लौंग को मैंने इतना मोटा मोटा इसको ग्राइंड किया है। ये मोटा ही रहना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं होगा वरना हमें छानने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये इस तरह हमने कूट लिया है और जो प्याज और तेल जो था वो भी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और अब जो है, जो हमारे पास कोकोनट ऑयल है ये हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। बस आपने तेल पकाते वक्त सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि लो फ्लेम में पकाना है, इसको ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सारा जल जाएगा और हमें इसको जलाना नहीं, ठीक है। जब ये थोड़ा सा बन पक जाएगा फिर उसके बाद हम ये डालेंगे। और इसमें एक और चीज़ डलेगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या इसमें ऐड करूँगी। इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है और 10 से 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने मेथी दाना और कलौंजी और लौंग वगैरह जो पीस के रखी थी हम इसे शामिल कर देंगे। अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट जाएगा, ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को हम इसकी डंडियों के साथ इसे मिक्स करेंगे और इसको तोड़ लेंगे बीच में से और इस तरह हम डाल देंगे। कड़ी पत्ता भी हमारे हेयर ग्रोथ में मदद करता है। इसे हम अब 5-10 मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ऑयल जो है ठंडा हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह किसी कपड़े में डालकर आप इसको अच्छी तरह छान लें। इस तरह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना इसमें, प्याज का तो पता ही नहीं है कि प्याज की जो स्मेल आती है तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लौंग, कड़ी पत्ता, मेथी दाना, इतनी अच्छी चीज़ें डली हुई हैं इसमें कि दिल चाह रहा है कि अभी लगा लें। इतनी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ अपने बालों पे, अपने बच्चों के बालों में, तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इस तरह आप इसको निकाल लेंगे। ये हमारे पास ऑयल आ गया है। अब अगर आप चाहें तो इसमें जो है ना 2 टेबल स्पून ये कैस्टर ऑयल शामिल कर दें, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। हम ऐसे सिर्फ डायरेक्ट इसको इस्तेमाल नहीं करते,
तो इसको किसी के साथ ही इस्तेमाल करना पड़ता है और इसको पकाना भी नहीं है। इससे जो है ना आपकी हेयर ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून आप कैस्टर ऑयल शामिल कर दें, इससे आपकी बहुत ही अच्छे बालों की जो हेयर ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बस इसको आप हफ्ते में 2 मरतबा यूज़ करें, या फिर आपके पास टाइम नहीं है और तेल से नहीं दिल जाता तो कम से कम 1 मरतबा तेल यही वाला यूज़ करें। बहुत ही अच्छे बाल हो जाएंगे, बिल्कुल शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मैं आपको अपनी बेटी के बाल दिखाती हूँ और इसको ऑयल भी करना दिखाती हूँ कि किस तरह ऑयलिंग करनी है, और आप देखें उसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त हो गई है इस तेल से। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।